बड़ी खबर आ रही है, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1543 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा वायरस की वजह से 62 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कोरोना से देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 934 हो गई है। तो पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 1543 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा वायरस की वजह से 62 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके साथ ही अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 934 पहुंच चुकी है। रवि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, क्या अपडेट है? जसप्रीत, अपडेट यह है कि अब तक इतनी बड़ी संख्या में लोगों की डेथ नहीं हुई थी, यानी कि 62 लोग 24 घंटे में उनकी मौत हुई है। इससे पहले ही जो मैक्सिमम आंकड़ा रहा है वो 60 रहा है और आज 62 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। दूसरी बात यह है कि नए मरीजों की जो तादाद है वो 1543 है, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ा है। अब तक 934 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23.33% लोग ठीक हुए हैं इस कोरोना की लड़ाई में। तो फिलहाल सरकार यही बार बार कह रही है कि ये जो आंकड़े हैं आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से रहते हैं और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं तो आप समझिए कि मामला फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो वो ज्यादा चिंता का विषय होगा। आने वाले दिनों में 15 मई तक हम देख सकेंगे कि असेसमेंट क्या होता है, अगर हम स्टेबल मामले होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी सरकार बार बार कह रही है, लेकिन लॉकडाउन का पालन करना इस समय जरूरी है।